हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निशु की स्वीट किचन। मैं निशु फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट मिठाई, जो कि हम बनाएंगे भुने चने से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इंस्टेंट मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 कप भुने हुए चने। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इनके ऊपर के जो छिलके होते हैं वो इन्हें सबको साफ कर लेना है उतार उतार कर। ये देखिए दोस्तों, मैंने इनके ऊपर के सारे छिलके उतार लिए हैं, ये कुछ इस तरीके के हो गए हैं। चलिए दोस्तों, पहले इन चनों के फायदे भी बता देती हूँ मैं आपको। इन चनों में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि पाचन शक्ति को सही रखता है, जिसे कब्ज की प्रॉब्लम होती है उसे भी सही रखता है, और शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। ये बढ़ते हुए बच्चों को जरूर देने चाहिए दोस्तों, ये बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इनका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे मिक्सी में पीस कर। ये देखिए दोस्तों, मैंने उसे चनों को एक फाइन पाउडर में पीस लिया है मिक्सी में डालकर। चलिए दोस्तों, अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें ले रही हूँ 1 1/4 कप देसी घी। देसी घी बिल्कुल मेल्टेड नहीं लेना है इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 1/3 कप चीनी, पिसी हुई चीनी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, मैंने चीनी का पाउडर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है घी में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो जो हमने चने को पीस कर जो पाउडर बनाया था। और अब इसे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई इलायची। अब इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है, चीनी, घी और वो पाउडर चने का जो हमने बनाया था, ये देखिए। और अब ये ऐसे करके बनने भी लगा है। अब इस स्टेज पर आकर हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर दूध एक डो बना लेंगे हम इसका। ये देखिए दोस्तों, मैंने 1/2 कप दूध लिया था जिसमें से मेरा इतना बच चुका है। अब इसको हम अच्छे से सॉफ्ट तरीके से एक डो बना लेंगे इसका, ऐसे करके मत के इसको। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको मत के एकदम सॉफ्ट डो के रूप में बना लिया है। ये देखिए, अब हम इसमें से क्या करना है, 1/4 भाग इसका हमें निकाल लेना है अलग। ये देखिए, मैंने 1/4 भाग इसका अलग निकाल लिया है। अब हम इसको अलग रख देंगे, 1/4 भाग को अलग रख देंगे। और ये जो सब बचा है हमारा, इसमें इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर। अब इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने चॉकलेट पाउडर को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है डो में। ये देखिए, चलिए अब हम रोल बनाने स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अपने रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए एक फॉइल पेपर, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसे ग्रीस कर लेते हैं पहले। तो अच्छे से फैला लेंगे हम। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है ऑयल को। सबसे पहले हम अपने चॉकलेट वाला डो उठाएंगे और इसको चिकना करेंगे अच्छे से। उसको हाथ से थोड़ा सा पहले बड़ा करेंगे। उसको फॉइल पे रखकर हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से फैलाएंगे। ये
ये देखिए पतला पतला, मैंने इसे हाथों से ही फैला लिया है, मुझे किसी बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब जो हमने बिना चॉकलेट वाला डो छोड़ा था उसको हम लंबा लंबा इस तरीके से कर लेंगे। और इसके बीचों बीच पे रख देंगे इस तरीके से। और अब इधर से हम खसार कर लेंगे इसे। ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसे काट लिया है। अब बीच में हमने रख दिया है ये रोल लंबा लंबा करके। अब इसको फॉइल को इधर से उठाएंगे और इधर की तरफ से इसके ऊपर चढ़ाते हुए इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ, इस तरीके से तरीके से फोल्ड करेंगे इसे हम दबाते हुए। आगे की तरफ से इसे खींचते जाएं और इसे दबाते जाएं, फिर आगे से थोड़ा सा खींचें और फिर इसे दबाएं इस तरीके से, फिर इसे खींचें और फिर इसे दबा दें। ये देखिए परफेक्ट रोल बनकर हमारा तैयार हो चुका है। इधर से फोल्ड करते हुए हमें इसे वापस से लपेट देना है इसे। इस तरीके से, और इधर से बंद कर देना है ये, और इधर से भी बंद कर देंगे हम। और अब इसे हम आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। देखिए दोस्तों आधा घंटा हो चुका है, अब मैं इसे खोल लेती हूँ। ये देखिए परफेक्ट रोल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। मैं दोस्तों इसको चांदी का वर्क लेकर कहीं कहीं पे इस तरीके से ऐसे लगा दूंगी इसे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने चांदी का इसमें वर्क लगा दिया है। थोड़ा सा इसमें से हम जो साइड का है वो कट कर लेंगे इस तरीके से, और अब इसे कट करते हुए इस तरीके से इसे हम कट करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों बनकर तैयार है हमारी इंस्टेंट मिठाई। ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है आपको ये। जब भी बच्चे कुछ मीठा खाने के लिए मांगे तो झटपट से बना के दें उन्हें ये हेल्दी मिठाई, जो कि खाने में भी बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और फ्रेंड और फैमिली में इसे शेयर करें वीडियो को। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।